हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज कुछ मौसम बहुत बढ़िया हो गया और आज मेरा कुछ प्लान है 16 सेक्टर जाने का। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, उसके पास जाना है, मतलब वहाँ से कुछ कोट उठा के लेके आने मेरे फ्रेंड के। तो चलो चलते हैं 16 सेक्टर चंडीगढ़। हो सकता है कि लाइट पूरी अच्छी तरह पड़ नहीं रहा हो, क्योंकि आज हमने किया कैब, तो आज जाएंगे कैब में हम सीधा चंडीगढ़। पहले सोचा कि चलो बाइक पे चलते हैं, बट सामान लेके आना था, कोट वगैरह, तो हो सकता है कि बारिश पड़ जाए रास्ते में, मौसम भी इतना सही नहीं है, हवा भी चल रही है, तो सोचा कि ठीक है कैब भी करा लेते हैं, तो आज कैब पर चलते हैं। तो कैब हमारी आ गई थी थोड़ी देर पहले, तो अभी बस उसमें बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं सीधा चंडीगढ़ की तरफ। तो लाइट तो नहीं है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बोल सकता हूँ, बट हाँ आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो बस जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ और आपको भी साथ में लेके चलते हैं चंडीगढ़। चलो चले। हाँ हाँ जी मित्रों, आज कुछ मतलब बात ऐसी हुई कि सुबह से लेके शाम तक पूरी धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, एकदम से मौसम चेंज हो गया एकदम से, और धूप में ना बारिश स्टार्ट होगी, धूप में धूप भी पड़ रही है एक साइड और एक तरफ बारिश पड़ रही है, दोनों एक साथ होगी। तो आज कुछ मौसम एकदम अनएक्सपेक्टेड बारिश होगी, अनएक्सपेक्टेड, समझ रहे हो मैं कुछ वर्डिंग बोल रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड बारिश वो पड़ गई आज एकदम से, तो मतलब काफ़ी ख़तरनाक मौसम हो गया था और पता भी नहीं चला, बट अभी हाँ अभी अच्छा है, हवा वगैरह चल रही है, तो इसलिए हमने आज कैब किया कैब। तो बस अभी ऑलमोस्ट 11-12 किलोमीटर है मेरे घर से, मैं जा रहा हूँ 16 सेक्टर 16D, तो 11-12 किलोमीटर, तो अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे 20-25 मिनट में, क्योंकि अभी होता है ट्रैफिक भी, छुट्टी का टाइम होता है ना, ट्रैफिक भी होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अभी पहुंच जाएंगे और आपको भी साथ में पहुंचा देंगे। चलो लो जी, बारिश होगी स्टार्ट, जैसे ही सोचा था कि हाँ कि आज बारिश पड़ेगी, बहुत तेज़ हवा स्टार्ट हो गई थी पहले तो बीच में, आप देख भी रहे हो कैसे पत्ते उड़ रहे हैं, देखो तो थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट होगी और देख लो बादल भी गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, आपको थोड़ी सा दिखाता हूँ, ये देखो देख रहे हो बारिश होगी स्टार्ट तेज। तो सही किया जो डिसाइड किया कि हाँ ऊबर पे चलते हैं, तो ऊबर हमारा सही ऑप्शन था, अगर बाइक पे आते तो फंस जाते, तो बिल्कुल सही जगह पे हम सही टाइम पे हमने डिसीजन लिया कि हाँ ऊपर करके चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगा और अभी बहुत मज़ा भी आ रहा है क्योंकि बारिश होगी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट, बस पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे। मैप भी बता रहा है कि टर्न राइट करो फिर लेफ्ट करो, बस जैसे ही पहुँचते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या लेने में जा रहे हैं आज। तो फाइनली पहुँच चुके हैं शॉप पे, बट एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मतलब जैसे ही पहुँचा इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं गीला भी हो गया, और फाइनली मैंने ये लो लाइट भी चलेगी, अब आपको कैसे दिखेगी मेरी शक्ल, अब आपको मेरी शक्ल भी दिखेगी, आपको अंधेरे में दिखाता हूँ, लाइट भी चलेगी और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी आ रखी है पूरी आंधी, चलो आपको दिखाता हूँ बाद में। ये एक गाड़ी की लाइट जगी है, एक थार की, तो उसके बीच में अब मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैंने पकड़ दिए हैं कोट अपने फ्रेंड के, तो बस अभी कोट लेके गाड़ी में बैठता हूँ, दोबारा उबर बुक करता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये तो थार वाले भाई का शुक्र है कि उसने लाइट दे दी और मैंने वीडियो शूट कर दी, अदरवाइज तो अंधेरा फिर से हो रहा है। चलो ठीक है, मिलता हूँ जल्दी। गाइस लाइट तो है नहीं बिल्कुल भी, बट हमारी बुक उबर बुक हो चुकी है और मैं बारिश में भीग रहा हूँ, ये खड़ी हमारी उबर, तो चलो बैठते हैं फटाफट उबर में और चलते हैं घर की तरफ, पहले सामान रख दूँ पीछे। चलो मैं बैठता हूँ फटाफट और हम निकलते हैं सीधा घर की तरफ। भाई ये कुत्ते भौंक रहे हैं, देख लो इनको, हमारी गाड़ी के पीछे आ रहे हैं, जो इनको दिखता है उसी के पीछे लग जाते हैं, और एक गाड़ी वाले ने हाई बीम चला रखी है, आगे आंखों में पड़ रही है इसकी रोशनी लाइट्स की। एक्चुअली क्या था कि गाड़ी में चला रखा था एसी और मैं हो गया थोड़ा सा गिल्ला,
तो मैंने अपने मतलब ऊपर वाले भाई को बोला कि यार एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब आप मतलब आप गीले हो जाते हो ना बारिश में या कहीं से भी, और अगर उसके बाद आप एसी में बैठ जाओ तो आपको बहुत ठंड लगती है। तो बीमार होने से फ़ायदा कि एसी बंद ही कर दो, तो फिर मैंने एसी बंद करवा दिया। तो बस अभी जा रहे हैं घर की तरफ, आज एक छोटा से व्लॉग है क्योंकि आज थोड़ा ही टाइम मिला, तो उसी में कुछ ना कुछ जो कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। तो बस अभी घर पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो जैसे ही घर पहुँचता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। उसके बाद हम करेंगे व्लॉग को एंड, और उसके बाद मिलेंगे हम नए व्लॉग में। फाइनली मोहाली एंटर कर लिया, बस पहुँचने वाले और 5-10 मिनट में घर। और घर जाके फिर अपने फ्रेंड को पकड़ाऊंगा, अपना ये जो कोट लेके आया हूँ ना, जो कोट लेके आया हूँ वो अपने फ्रेंड को पकड़ाऊंगा कि चलो उसकी ये मानत है, उसको पकड़ा देंगे हम कोट, फिर हम चले जाएंगे घर। और जैसे उस पहुँचने वाले वो घर, मतलब 2 मिनट पहले उसको फ़ोन लगा दूंगा कि वो आ जाए और अपना लिफाफा वगैरह जो भी कोट वगैरह वो ले जाए। तो बस जैसे ही पहुँचता हूँ उसको फ़ोन लगाता हूँ और वो आता है और उसको हम पकड़ा देंगे कोट। ठीक है भाई? ठीक है, ओके गाइस। आप ये देख लो कि चंडीगढ़ और मोहाली में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस का, बट चंडीगढ़ में बारिश पड़ी है बहुत तेज़। आपको शायद व्लॉग में ना दिखाओ क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी, और बट जब मैं कार में बैठा था तब आपको दिखाया था मैंने बारिश स्टार्ट हो गई। और यहाँ देख लो मोहाली में बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं पड़ी, और जबकि दोनों आसपास है बिल्कुल। लो भी फाइनली पहुँच चुके हैं घर, और अब घर जाके करते हैं आराम और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। लो जी गाइस, चलो चले अंदर। और मौसम बहुत बढ़िया हो गया, पता नहीं कब बारिश पड़ जाए। तो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ मिलते हैं अच्छे से नवे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, टाटा टाटा टाटा।